हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुक इट अप। आज हम बनाएंगे होममेड व्हीट बेस्ड पिज्जा, जो कि होगा हेल्दी और साथ ही साथ न्यूट्रिशियस भी। और ये हैं सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जो हमें पिज्जा बनाने के लिए चाहिए होंगे। पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे 1 कप व्हीट फ्लोर, 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल, 1/2 कप कर्ड, 1/2 कप वाटर, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबल स्पून शुगर, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टेबल स्पून हम लेंगे सॉल्ट। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके अपने पिज्जा बेस के लिए डो प्रिपेयर कर लेंगे। डो प्रिपेयर करने के बाद हम इसे ऑयल से कोट करके 1/2 आवर के लिए अलग से कवर करके रख देंगे। अब हम पिज़्ज़ा के लिए टॉपिंग्स प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए आप अपने मनपसंद वेजिटेबल्स और सॉसेज यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ लिया है अनियन, कैप्सिकम, टमाटोज, डाइस चीज़, पनीर, मायोनेस, केचप एंड पिज़्ज़ा सॉस। अब हमारी सारी वेजिटेबल टॉपिंग्स रेडी हो गई हैं और अब हम अपने पिज़्ज़ा डो को लेंगे और 2 इक्वल पार्ट्स में बांट लेंगे। इसके बाद हम इनको गोल और इवन तरीके से बेल लेंगे। हमने ओवन ट्रे ले ली है और अब हम इसे ऑयल से कोट कर लेंगे। अब इसमें पिज़्ज़ा बेस को रख लें और फोक से इस तरीके से होल बना लें। इसके बाद अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस, मायोनेस और केचप लगाएंगे और उसके बाद हम चीज़ और वेजिटेबल्स से टॉपिंग्स कर देंगे। ओवन में डालने से पहले इस पर थोड़ी मोज़रेला चीज़ डाल लें और ब्रश से इसके साइड्स पर ऑयलिंग कर लें ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। हमने अपने ओवन को 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया है
पिज़्ज़ा को कुक करने के लिए आप अपने ओवंस की सेटिंग को 180 डिग्री पर 15 मिनट्स के लिए रखें। अगर आप अपने पिज़्ज़ा का बेस ज़्यादा क्रिस्प चाहते हैं तो आप उसे 4 टू 5 मिनट्स के लिए फिर से कुक कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रिपेयर हो गया है हमारा डिलीशियस और न्यूट्रिशियस पिज़्ज़ा। अब इसमें आप ओरिगानो और चिली फ्लेक्स डालकर खाएं और इंजॉय करें।